please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. 2G केस में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला आने के बाद सियासी तूफान खड़ा हो गया। इस बहाने कांग्रेस को बीजेपी और पीएम मोदी को घेरने का नया मौका मिल गया और पार्टी पूरी ताकत के साथ हमलावर हो गई, जिसमें आगे बढ़कर मोर्चा संभाला कपिल सिब्बल ने। सिब्बल पहले भी घोटाले के आरोपों को खारिज करते रहे हैं और फैसला आने के बाद भी उन्होंने पुराना बयान दोहराया। ये प्रिजम्प्टिव लॉस की जो थियरी थी, अब सब गलत साबित हो गई। मनमोहन सरकार में टेलीकॉम मंत्री रहे सिब्बल ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधा, क्योंकि 2G केस लोकसभा चुनाव के दौरान बड़ा मुद्दा बना था। अब हमने कहा है कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए और स्पष्टीकरण दें। 2014 की चुनावी रैलियों में पीएम ने इसे घोटाला बताकर कांग्रेस को जमकर घेरा था। यही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी विदेश में दिए गए भाषणों में भी घोटाले का जिक्र कर मनमोहन सरकार पर तंज कसते रहे हैं। इसलिए कांग्रेस भी हमले का कोई मौका चूकना नहीं चाहती। लिहाजा इस फैसले के बाद पूर्व पीएम मनमोहन सिंह भी सामने आए और बीजेपी पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। तो वहीं केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कांग्रेस के हमलों पर तंज कसा। कांग्रेस पार्टी शुड कंसीडर इट एज सम काइंड ऑफ सर्टिफिकेट। अरुण जेटली ने यूपीए की टेलीकॉम पॉलिसी को ही गलत करार दिया। जेटली के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार की पहले आओ पहले पाओ की स्पेक्ट्रम नीति रद्द कर दी, लेकिन कांग्रेस को उनका ये जवाब हजम नहीं हुआ। इसलिए जेटली का जवाब देने दोबारा कपिल सिब्बल मैदान में उतरे। सुप्रीम कोर्ट ने तो सारे लाइसेंस कैंसिल किए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कोई इसमें ये तय नहीं किया था कि किसी कोई नुकसान हुआ है। कांग्रेस ने इस मसले पर भी पीएम मोदी से माफी की मांग कर डाली।